अशोकनगर जिले के डोंगासरा गांव में बनी यज्ञशाला में अचानक आग लगने की सूचना जैसे ही लोगों को लगी तो वह सभी यज्ञशाला की ओर भागने लगे। बता दें कि यज्ञशाला में बांस बल्ली निकालने का कार्य चल रहा था। इस दौरान यज्ञशाला में अचानक आग लग गई। अचानक लगी आग का कारण किसी को समझ में नहीं आया। जिससे भी पूछा गया उसका अलग ही तर्क था। किसी का मानना था कि दीपक या अगरबत्ती के कारण आग लगी है, तो किसी का कहना था कि आग लगाई गई है। इसके साथ ही लोगों का कहना था कि यज्ञ स्थल पर से करोड़ों की दान राशि भी चोरी हुई है। हालांकि किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इस आग से यज्ञशाला में लगा छप्पर धुधु कर जल गया। आग के कई कारण सामने आ रहे हैं, जिसमें किसी महिला द्वारा अगरबत्ती या दीपक लगाना बताया जा रहा है। वहीं यज्ञशाला की वेदियों में भी आग थी, जिसमें घास फूस गिरने से अचानक आग भड़क गई। आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है एवं कोई जनहानि नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि यज्ञशाला के ऊपर छप्पर राजस्थान के कलाकारों के द्वारा 41 लाख रुपए में तैयार किया गया था, जिसे आज निकालने का कार्य चल रहा था। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद यज्ञ करने वाले पंडित का दावा है कि यज्ञशाला में रखे 7 करोड़ रुपए चोरी किए गए हैं। वहीं इन पंडितों को आरोप है कि 4 लोग जहां पैसा रखा हुआ था वहां पर सोए थे और बाहर का ताला सरपंच ने लगाकर चाबी खुद के पास रखी थी, तो फिर ये रकम गई कहां? साथ ही पंडितों के इस आरोप के बाद घटनाक्रम को नए रूप देखने की बात भी सामने आ गई है। ऐसा लगता है कि चोरी की घटना को छुपाने के लिए आगजनी को अंजाम दिया गया। वहीं सूत्रों की माने तो पंडित के किए गए दावे बिल्कुल सही हैं, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। साथ ही सूत्रों के अनुसार 2 दिन पूर्व जब यह हवन निपट चुका था, उसके बाद पंडित अपने साथ पेटियां लेकर जाने की फिराक में थे। जिसे गांव वालों ने रोका और पूछा तो बताया गया कि इसमें कपड़े और दान की सामग्री रखी है, लेकिन पैसों के बारे में तब तक कुछ भी नहीं कहा गया था। वहीं आज जब घटना घटित हुई उसके बाद पैसों का आना शुरू हो गया। अब तो ये जाँच के उपरांत ही पता चल पाएगा कि पंडित के द्वारा लगाए गए आरोप सही है या गलत। गाड़ी तो आ रही है, आदमी बन जाओगे बच जाएंगे, आदमी बन जाएंगे। आते बाबू की बिनाई मैंने करी है, मेरी कुटी है 10,000 इनसे लाए, 5,000 इनसे लाए, इनसे ले करी है। जो राज्य सरपंच है बोलो 20,000 रुपए मैंने इनसे लाए, भाकर सिंह माल साहब है उनसे लाए मैंने, बाबा इनके नहीं जा पा रहे उनकी बिना मैं कर रहा हूँ। अब मैं जान रहा हूँ, मैं जा सोच रहा हूँ क्षेत्र वालों में, चलो भगवान ने ऐसा कार्यक्रम करा मैं लाया हाथ चोरे, एक साल में भगवान बाबा का रो हे बाबा मेरे चरणों की कृपा हो जाए मेरे गांव में। मैंने जहाँ से उगा के पैसे ढोंगा के नाम से था और जो मेरी बेइज्जती कर रहे सब, तो अभी मैंने कुछ नहीं कही क्यों कि ये राजा रानी सब जो क्या बाबा लाओ जो उदम कर रहा है। मैं मुखिया आदमी माँ के लोगों ने तो कर पेटी आई, पेटी निकाल के रख के और चार जने बाँ में सोए चाबी जे रखे और तारा कैसे टूटा, 7 करोड़ रुपए था उसमें, 4 ले गए 7 करोड़ सात ही ले गए 7 करोड़ रुपए था उसमें। ये चार बता रहे हैं, ये सब बता रहे हैं। पचवारी बारो सो रहा चाबी बोल रहे थे तार ऊपर कैसे खोलो नहीं सही है सही है, वो तो बोल रहे सो रहे थे बाहर सो रहा है एक अंदर सो रहा है वो तारों कैसे टूट गए ये बताइए। नहीं नहीं ये तो बेई है, बेई है ये तो बेई है, पूरे 7 करोड़ रुपए 7 करोड़ रुपए था उस पेटी पूरा लगाओ ना भाई। अशोकनगर से संजय नामदेव और मियाना से सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट।